हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सैम स्टोरी। आई थिंक आलोक स्टोरी का एक दो मूवी चैनल के सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आई थिंक अदम हम खेला देने ने कोहमद वागे सिग्नेचर का खदा गन ब्रश टूल का भी दे रहे सह पीएनजी का भी दे रहे वागे सिग्नेचर का खदा गन कोहमद खेला मंगा दे खेला देना हदन एक दो इतना मेक मूल्य कैमरा रॉ फील्ड इंस्टॉल करके कैमरा रॉ फील्ड इंस्टॉल करके नेता डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तीन लिंक एक आई इंस्टॉल करना विधि लिंक के तीन थिंक इंस्टॉल करना नॉर्मल सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना विधि इंस्टॉल करना पुलवा इंस्टॉल करके पास रीचार्ज करना मशीन इट पास कैमरा रॉ फील्ड आगे मशीन के बेटर एडिट वाले इतना तीनों प्रिफरेंस के लिए तीनों कैमरा रॉ के लिए इतना जेपीजी टीएफएफ हैंडलिंग ऑटोमेटिक एक्टिवेट करना तीन इट पास पुलवा मैंने मे विधि इमेज ओपन करगा इमेज ओपन करगा तरह पास मैंने मेरे कैमरा रो गए मत माँ वागे इमेज ओपन बनने आड़ पुलवा मैंने मेतन आर मंगन वागे कैमरा रो फिल्टर्स वाले वाइट सह ब्लैक पेन करगा पुलवांग आट शिफ्ट का तेक डबल क्लिक कराना वाइट के सह ब्लैक के त्रिकोण वागे दागे इमेज ओपन करगा पुलवा मग मैंने मे विधि इमेज ओपन करगा थे वाइट पास मट मैं मे अच्छा हाई के लिए सह मग एक क्रॉप करना मुलिम सिलेक्ट करके नहीं मकसद करो सिलेक्ट कर ला तो मैंने मेरे फोरग्राउंड कलर का अनिवार्य मत येनो ने वाइट आई थिंक आटा मांगे का खाली पहली कर लेती हूँ मैंने मे विधि मग सिलेक्ट करना ये मटा अदाल के ना अक्सर ना मैंने मे विधि मग सिलेक्ट करके ना मुलिम न्यू ले का खदा गन दो न्यू सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट है खदा गन डॉक्यूमेंट का पिक्सल एदा ससु रेसोल्यूशन तुम सी तीनों आर जीबी का बैठ रेट मे भी दिखती है तीयला मैंने मे कोटस वी क्लिक कर लेना मूव टू लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करना मेह ड्रैग एंड ड्रॉप करना मैं तेने सलखली मत व्यू कारण आगती ड्रैग एंड ड्रॉप की मेदी मूव टू लेकिन खतुर वे कोटस खतुर वे एनवा मूव टू लेके इट पास तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करा नोनी ड्रैग एंड ड्रॉप करा दी वह अनीत डॉक्यूमेंट कटे आना कोट एक ड्रैग करके गिहिल्ला ए अदाल ए डॉक्यूमेंट को उड़ा गया पास से एक ए डॉक्यूमेंट को ओपन करना ओपन होने पास से डॉक्यूमेंट का मैद तमाई वह ड्रॉप करना होने एक मत के त्याग करना ड्रैग करके गिहिल्ला डॉक्यूमेंट का उड़ा गया पास से ड्रॉप करने पा उड़ा गया पास से ये डॉक्यूमेंट का ओपन ना ओपन होने पास से डॉक्यूमेंट का मैद ड्रॉप करना मैंने मेरे दिन ड्रॉप करना पुलवा के दिन ब्रश टूल लगे मैं मैंने मेरे दिन अनावश्यक स्थान का पला इवत करना अनावश्यक स्थान आइन करना नमूद मित्र वाट वाइट में नो थी नहीं थी मंगे को वाइट विधि हरियट में हदा करना अवश्य तीन मैं एक निशा मम सिलेक्ट गिला कलर रेंज करना कलर रेंज वोल्ड गया पास मैंने मेतन वागे अच्छे सिलेक्ट कर पास मेमे लोकलाइज कलर क्लचर्स की ऐक्टिवेलाइन सांबल कलर्स की सह मैंने मेतन सिलेक्शन की ऐक्टिवेलाती है मैंने मेतन सिलेक्ट प्रीव्यू की वागे नन की अंतन ओया ग्रे स्केल की दागा इट पास मैंने मेवी असन हरियट सिलेक्ट होना पास ओके करना वाट एक हरियट एक बेडे करना इट पास मैंने मेवी मैं न्यू ले दाना न्यू ले दाना फोरग्राउंड कलर अनिवार्य वाइट तीन फोरग्राउंड कलर वाइट सॉरी फोरग्राउंड कलर मेरे ब्लैक तीन फोरग्राउंड कलर ब्लैक एक्स एक फोरग्राउंड कलर मारो करना पुलवा न्यू ले दाला शिफ्ट करते बैक स्पेस क्लिक करना शिफ्ट करते बैक स्पेस क्लिक करना पास वाड़ पुलवा मेरे फोरग्राउंड कलर एक नॉर्मल थी अन्न नॉर्मल थी अला फोरग्राउंड कलर के सिलेक्ट हुआ थी इन्होंने नॉर्मल के सिलेक्ट हुआ ओके कर पुगा मैं वाट मैंने मे भी दिए अच्छा वाड़ी मैंने मे भी दिए नो दी मैं अनित लेयर्स देकर डिलीट करना डिलीट करना पास वाट मैं सेव करना पुलवा पीएनजी इमेज जाते दी मैंने मे भी दिए पीएनजी एक मैं पीएनजी भी दिए सेव करना मैं ऑलरेडी दंड मत सेव करके तीन वाट पुलवा पीएनजी एक दिए सेव करना अयपे पीएनजी का तीस वादा पीएनजी इमेज बैकग्राउंड ये अदाल इमेज वितरा यह अदाल फोटोस वितरा आप लबागन हेकेवती बैकग्राउंड मैं मुलिम बैकग्राउंड सह हनी लेयर्स डिलीट कर ला अदाल साइन वितरा त्यागत्ती वाट स्पीड बेडी वगे रिवाइंड कर लाला बुलवा एक अनिवार्यम पीएनजी का विधि सेव करना ओनम दे पीएनजी के आप अवश्य फोटोस वितरा लबागन बुलवा पीएनजी का विधि सेव कर अमतर आट पुलवा मैंने मेतन एडिट गिहिल्ला डिफाइन ब्रश प्रीसेट के लिए कती है दी अन्य तन वाट आवश्यक ब्रश के नेम मेक लबा दें दी मम्मी तन दिनों मई सिग्नेचर के नेम मेक लबा दून पास ओके क्लिक करें ई थिंक ऑटोमेटिकली वागे ब्रश वागे सिग्नेचर विधि हदला तीन दी मम्मी की सीएल डिलीट करना डिलीट कर लग अलू इमेज ओपन करना दी ब्रश मेन मेतनी ब्रश टूल के ब्रश वागन बेरना ब्रश
කියන මේ පැනල් එකේ අන්තිමටම තියෙන බ්‍රෂ් එක මේ පැනල් එකේ අන්තිමටම තියෙන බ්‍රෂ් එක තමයි ඔයාගේ බ්‍රෂ් එක ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මවුස් එකෙන් ටික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ ඔයාගේ බ්‍රෂ් එක ඔල්රෙඩි දැන්ටමත් ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙනවා ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට කලර් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මෙතන අලුත් ලේ එකක් දාලා ඔයාට ලේ එකේදී මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෂ් කරලා ඊට පස්සේ सॉलिड कलर एक वाड़ पुल मैंने मेरे ओन कलाइक चेंज करें कलाइक चेंज कर पास से सॉलिड कलाइक मैंने मे विद्य मैंने मेतन थी मैंने मेतन की हम एल टी का थिंक मुखद मंकर वाड़ पुल सॉलिड कलर के लेक खाली ब्रश कर ब्रश टिकर ए लेक ले अतर मेद मौस पॉइंट तिब हम मौस पॉइंट एल टी का क्लिक कर हम वाट पुलवांग एक मौस पॉइंट सॉलिड कलाइक ये अदाल लेकर वितरा लबागन अदाल लेकर वितरा सॉलिड कलाइक अप्लाई कर पुलवांग मौस पॉइंट मौस पॉइंट एल टी का क्लिक कर ला मौस पॉइंट सॉलिड कला कलाइकाई लेकाई अतर मेद तीय टिकर गई मैं वाट पुलवांग ඒ සොලිඩ් කලර් එක අදාළ ලේ එකට විතරක් අප්ලයි කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඕන කලර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඕන කලර් එකක් ඔයාලට අප්ලයි කරගන්න. මේ සොලිඩ් කලර් එකේ අර කලර් කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරාම ඕන කලර් එකක් අප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ලේයර්ස් ටික ඩිලීට් කරලා මම ඕපන් කරගන්නවා PNG එක. PNG එක මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන ගිහිල්ලා මම අර කලින් කියලා දුන්න වගේ ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් සිස්ටම් එක ඔයා යූස් කරාන මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඉමේජ් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ තමයි ඔයා ඩ්‍රොප් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රොප් කරලා मैंने मेके रेसोल्यूशन का बिना कर कंट्रोल टी सी टी एल बटन का टी बटन का क्लिक कर पास मैंने एक विनस कर ओन विधि नवत सॉलिड कलर एक दागन पुल सॉलिड कलर एक दागन मगर क्यूब एल डी का मौस पॉइंट तीन क्लिक कर पाट सॉलिड कलर एक सॉलिड कलर के वाड़ पुलवा मैंने मे विद्य कलर्स चेंज कर लाट कमी ओण कलर एक दागन ඉතින් අද මම කියලා දුන්නේ ඉතාම සරලව කොහොමද ඔයාගේ සිග්නේචර් එක ඔයාගේ ඕනම ඉමේජ් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඉමේජ් එකකට හැම එකකටම සිග්නේචර් කර කර ඉන්නේ නැතුව ඔයාගේ සිග්නේචර් එක කොහොමද ඔයාගේ ඉමේජ් එකට ඒ විදිහට ඇප්ලයි කරගන්නේ කියලා බ්‍රෂ් ටූල් එකක් විදිහට ඉතාම ලේසියෙන් බ්‍රෂ් ටූල් එකක් විදිහට එහෙම නැත්තම් කොහොමද PNG ඉමේජ් එකක් විදිහට ඔයාගේ සිග්නේචර් එක හදාගෙන කොහොමද ඒක ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට PNG එකක් විදිහට සිග්නේචර් එක හදාගෙන YouTube එකේ වෝටර්මාක් එකක් විදිහටත් මේ ඔයාගේ සිග්නේචර් එක යූස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සිග්නේචර් එක හදාගන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එකට. ඕනම වීඩියෝ එකකට හෝ ඔයාගේ ෆොටෝ එකකට හෝ ඕනම දෙයකට මේ විදිහට සිග්නේචර් එක හදාගන්න පුළුවන් ඉතාම සරලව. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද සිග්නේචර් එකක් ඉතාම ලේසින් බ්‍රෂ් ටූල් එකක් විදිහට හදාගන්නේ සහ PNG ඉමේජ් එකක් විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද ස්ටෝරි එක රසවත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඊළඟ ස්ටෝරි එක මීට වඩා තවත් ගොඩක් රසවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා රැඳිලා ඉන්න channel එකත් එක්ක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න channel එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ ස්ටෝරි එක තවත් රසවත්. This is Stamp Story.